ओके, ऐसा लग रहा है कि हम लाइव हैं। तो हमारे साथ ऑलरेडी 21 लोग जुड़ चुके हैं। हमारा नया प्रोग्राम इंडिया साइंस थिएटर की तरफ से। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हमें बताइए कि हमारी स्ट्रीम आपके तरफ पहुँच रही है या नहीं, और हमारी ऑडियो आपके तरफ पहुँच रही है या नहीं, क्योंकि ऑडियो और वीडियो क्वालिटी दोनों इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। एटलीस्ट आई कैन सी माई सेल्फ, सो दैट मीन्स वी आर लाइव एट लीस्ट। ओके, गुड टू नो। सो सभी दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। हमारा नया शो, जैसे इंडिया साइंस थिएटर की टीम आप सब जानते हैं, हम आपके साथ बहुत बार लाइव जुड़ते भी हैं। हम अपने 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 नए नए प्रोग्राम्स भी लेके आते हैं। एक प्रोग्राम हमारा चल रहा है मगजमारी, और दूसरा अभी हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है आस्क विद ऐश। तो इस प्रोग्राम की आज फर्स्ट एपिसोड है। आस्क विद ऐश का मतलब क्या है कि हम कोई एक साइंस की शख्सियत आपके सामने लेके आएंगे, शायद एक बार महीने में, डिपेंड करेगा हम कितना टाइम निकाल पाते हैं और हम अपने गेस्ट को, मतलब कि उनके साथ वो कितना टाइम निकाल पाते हैं। और उसके बाद आस्क विद ऐश का मतलब यह है कि आप जो लोग मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हम वो साइंटिस्ट से, उन शख्सियत से बात करेंगे लाइव चैट के थ्रू। तो इसेंशली मैं आपके कमेंट्स यहाँ पर लाइव भी देखूंगा। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ ताकि मुझे आपके कमेंट्स नज़र आने शुरू हो जाएं। अभी यस, नाउ आई कैन सी। ओके, सो पीपल आर सेइंग दैट ऑडियो इज क्लियर, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ 25 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो आई थिंक प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो आज पहला एपिसोड, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुनील मुखी। प्रोफेसर सुनील मुखी मेरे बहुत ही फेवरेट टीचर रहे हैं, तो इनके साथ लाइव करने का मौका आज मुझे मिल रहा है। ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। एक्चुअली मैं बहुत पहले से ये करना चाहता था, पर या समय नहीं मिल पा रहा था या फिर ये प्रोग्राम शुरू करने में भी थोड़ी हेसिटेशन थी, बट प्रोफेसर मुखी उन्होंने अपना टाइम निकाला अभी, तो उनके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। तो आज के प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं सुनील का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। तो सुनील एक वर्ल्ड लीडिंग थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं। उनका जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो है स्ट्रिंग थ्योरी, जिसको हम काफ़ी न्यूज़ में और मीडिया में देखते रहते हैं, वो है क्वांटम फील्ड थ्योरी, और वो है पार्टिकल फिजिक्स। तो इस सब में सुनील वर्ल्ड लीडिंग फिजिसिस्ट हैं। थोड़ी सी लाइफ की जर्नी जान लेते हैं। बीएससी सुनील ने सेंट जेवियर कॉलेज से करी थी, मुंबई से। उसके बाद 1981 में पीएचडी की स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क द यूएसए, एंड 1981 से 83 के बाद ये पोस्ट डॉक थे, इफ आई एम करेक्ट, इन आईसीटीपी इटली, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स। काफ़ी जाना माना सेंटर है थियोरेटिकल फिजिक्स का इटली में। और उसके बाद वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो एक अभी हमारी सीरीज भी आई है रॉकेट बॉयज, हाँ आप सबको देखनी चाहिए वो सीरीज, उसमें TIFR का काफ़ी मेंशन आता है। वहाँ पर मैं स्टूडेंट भी था और सुनील वहाँ पर प्रोफेसर थे। तो वो 2012 तक वहाँ पर प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स थे। उन्होंने मुझे पार्टिकल फिजिक्स भी पढ़ाई थी, 2007 की बात है। तो इमीडिएटली आई फेल इन लव विद द लेक्चर्स एंड द वे ही टीचेस। और उसके बाद 2012 से अभी तक आईसर पुणे में, जहाँ पर हम अभी बैठे हुए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। सो दिस इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, यहाँ पर सुनील प्रोफेसर है। यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारे रोल्स अदा किए, पहले चेयरमैन भी थे हमारे डिपार्टमेंट के, हेड ऑफ डिपार्टमेंट 2018 तक, फिर डीन फैकल्टी भी थे। तो इस तरह के काफ़ी रोल उनके, उन्होंने बहुत अवार्ड्स और उनको बहुत सारे ऑनर्स मिले हैं। जैसे हमारी इंडिया की जो इंपॉर्टेंट अकेडमीज हैं साइंस की, इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, उसके ये मेंबर हैं। वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंसेज के भी ये मेंबर हैं। उनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भी मिला, जो इंडिया का टॉप प्राइज है साइंस का। जेसी बोस फेलोशिप भी मिली, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट जर्नल है हाई एनर्जी फिजिक्स का, जर्नल ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स, उसके 1997 में उसकी जर्नल की नींव रखी गई थी और सुनील उसके एडिटर है तब से। तो ये काफ़ी गर्व की बात है हमारे इंस्टीट्यूट के लिए भी और भारत के लिए भी। और सुनील काफ़ी दुनिया में और बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटी में जाते रहते हैं, लेक्चर्स देते हैं और पढ़ाते भी हैं, और रिसर्च कोलेबोरेशन भी काफ़ी हैं, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी प्रिंसटन में, जो कि टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जिसका नाम आता है, वहाँ पर सुनील एक साल सेबेटिकल के लिए भी थे, और विजिटिंग फेलो कॉमनर एट ट्रिनिटी कॉलेज वहाँ पर भी थे कैम्ब्रिज में 6 महीने के लिए।
तो इसी इंट्रोडक्शन के साथ अभी और भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ मैं, पर सुनील का स्वागत करता हूँ। वेलकम सुनील। थैंक यू आशीष, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे विद इंडिया साइंस थिएटर। एक्चुअली इट्स वेरी रेयर दैट आई हैव हर्ड हिंदी फ्रॉम सुनील, टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम यू। मेरे लिए भी बहुत रेयर है। तो हमने सुनील को थोड़ा सा मतलब कि रिक्वेस्ट किया कि अगर हिंदी में वो हम बात कर सकते हैं और इनफॉर्मल बात कर सकते हैं तो शायद थोड़ा होगा तो कष्टी, बिकॉज ही सो यूज टू टीचिंग इन इंग्लिश, एंड हाँ कोशिश जरूर करेंगे। तो हमारी ऑडियंस, क्योंकि हम हिंदी में कोशिश करते हैं, हम बाकी भी भाषाओं में इंडिया साइंस थिएटर में करने की कोशिश करते हैं, पर अभी आज क्योंकि मैं और सुनील की कॉमन लैंग्वेज एक हिंदी भी है जो इंडियन लैंग्वेज में, तो हम उसमें बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज का विषय जो है वो है इंटरप्ले ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड थियोरेटिकल साइंस। एक्सपेरिमेंट और थ्योरी आपस में किस तरह से है, उनका क्या तालमेल है, क्या इंटरप्ले है। अब सुनील एक वर्ल्ड लीडिंग थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है और एक्सपेरिमेंट्स का थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, मैं भी एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट हूँ, मैं भी काफ़ी छोटा हूँ मतलब, तो पर फिर भी मतलब मैं कुछ कुछ बात कर सकता हूँ उसके बारे में। सुनील से हम जानने की पहले कोशिश करते हैं कुछ कुछ चीज़ें कि एक थ्रेटिशियन क्या होता है, एक थियरिस्ट क्या होता है। सुनील, थियरिस्ट एक साइंटिस्ट, साइंटिस्ट को थियरिस्ट कहते हैं जब वो एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म में नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो थियोरी को फॉर्मुलेट करते हैं, तो थियोरी जो फॉर्मुलेट करते हैं उनको थियोरिस्ट कहते हैं। लेकिन थियोरी क्या होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, वो आज बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन थियोरिस्ट और एक्सपेरिमेंटलिस्ट में ये फ़र्क है कि एक्सपेरिमेंटलिस्ट लैब में, लेबोरेटरी में जाके अपने हाथों से एक्सपेरिमेंट करता है या करती है, और थियोरिस्ट कागज़ पे या कंप्यूटर पे थियोरी बनाते हैं। करते वो तो भी आते ही हैं। तो ये फिजिक्स के दो ऑपोजिट एस्पेक्ट्स हैं जो साथ में मिला के फिजिक्स होता है या फिजिक्स रिसर्च कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट और थ्योरी दोनों की जरूरत है, दोनों की जरूरत, दोनों नींव होती हैं फिजिक्स जो या साइंस करनी है उसके लिए, है ना। एग्जैक्टली। पर थियोरिस्ट एक्चुअल में करते क्या है, क्या वो मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि मतलब क्या आप लोग कंप्यूटर पे बैठ के कोड करते रहते हो या फिर मतलब लिटरेचर पढ़ते रहते हो या वहाँ पे मतलब आप कॉपी पेन लेके इक्वेशंस लिखते रहते हो, क्योंकि हमारे माइंड में कुछ इस तरह का होता है कि थियोरिस्ट इक्वेशंस सॉल्व करते रहते हैं, या फिर आप क्या डिस्कशंस करते रहते हो हर टाइम पे, या कैंटीन में जाके लोगों से डिस्कशंस करते रहते हो, या रात रात भर बैठ के सोच रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, या आसमान की तरफ देखते सोचते जा रहे हो, क्या करते हो। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, जो आपने लिस्ट दी है हम सब कुछ करते हैं। एग्जैक्टली जो कुछ आपने कहा है, कैंटीन में बातचीत करते हैं, रात को अपने घर में चुपचाप से सोचते हैं, दिन में कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूटर पे कैलकुलेशंस या कॉम्पिटिशंस करवाते हैं, और लिटरेचर पढ़ते हैं, पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत पढ़ते हैं, तो ये सब, और एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी पढ़ने की कोशिश करते हैं और वो समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका ब्लेंड है, हमारा लाइफस्टाइल वैसा है कि ब्लेंड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि आपको भी मतलब जब जैसे जैसे आप प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको अगर कोई क्वेश्चंस जो आप सुनील से पूछना चाहते हैं वो आप चैट बॉक्स में लिखिए, और उन क्वेश्चंस को हम आंसर करने की कोशिश करेंगे, सुनील से पूछेंगे उनके आंसर्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको एक्सपेरिमेंटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती भी है, या मतलब जैसे आप जैसे जो थ्रेटिशियन है या बाकी जो थ्रेटिशियन है, आपने मतलब एक थ्योरी लिखती है कुछ, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है क्या। ये देखिए, ये थ्योरी के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे थियोरिस्ट हैं जो एक पेपर लिख के फिर वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अवेट करते हैं, जब वो रिजल्ट आता है फिर वो लोग दूसरा पेपर लिख सकते हैं, तो बैक एंड फोर्थ रहता है। और एक टाइप का थियोरिस्ट है जो अपना काम करता है या करती है, और हम पेपर लिखते हैं, और समझो 2 साल 5 साल हम पेपर्स लिख रहे हैं, उस समय हम नेसेसरली एक्सपेरिमेंट की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम अपना थीम एक्सपोज कर रहे हैं, एक्सपाउंड कर रहे हैं, और बाद में ये
काम एक्सपेरिमेंटलिस्ट के पास जाएगा और वो डिसाइड करेंगे कि उनके लिए इससे कुछ फायदा है, वो अपने एक्सपेरिमेंट्स इसको पढ़ के डिजाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो टिपिकल, ऐसा कोई टिपिकल थियोरिस्ट नहीं है, कोई ज्यादा मैथमेटिकल है और कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट के पास है। अच्छा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि थ्योरी जो होती है वो एक्सपेरिमेंट से पहले आती है, और कभी ऐसा भी होता है एक्सपेरिमेंट थ्योरी से पहले आता है, है ना? पर कई बार ऐसा भी होता है कि थ्योरीज को वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कभी कभी तो कई कई डेकेड्स लग जाते हैं। सही बात है। तो मतलब ये थ्रेटिशियंस को, जैसे आप हैं, आप एक्सट्रीम थ्योरिस्ट हैं, तो ये चिंता का विषय नहीं है थ्योरिस्ट की लाइफ में कि हमारा हम थ्योरीज लिख रहे हैं और उनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होने में शायद हमारी सारी जिंदगी की बात हो? चिंता है, जरूर चिंता है, लेकिन देखिए 1960s में पीटर हिग्स और दो साइंटिस्ट ऑंग्लेर एंड ब्राउट, तीनों ने कुछ इक्वेशंस दिए थे जिससे प्रपोजल आया कि एक पार्टिकल फिजिक्स में एक नया पार्टिकल है जिसका नाम उसके बाद हिग्स पार्टिकल रखा गया, और वो 50 साल बाद डिस्कवर हुआ, तो हिग्स को जरूर चिंता हुई होगी, बेचारे 50 साल से बैठे थे। तो हिग्स तब काफी ओल्ड हो चुके होंगे, काफी ओल्ड होंगे डेफिनेटली, और लेकिन फाइनली उन्हें नोबेल प्राइज मिल गया। एग्जैक्टली, तो चिंता होती है, लेकिन देखिए कोई लोग थियोरी और एक्सपेरिमेंट दोनों साथ में कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी सब्जेक्ट में थियोरी या एक्सपेरिमेंट का स्पेशलाइजेशन जरूरी है। तो हिग्स एक एग्जाम्पल लेके, हिग्स हिमसेल्फ वो थियोरी ही करते हैं, वो कभी उन्होंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, शायद कॉलेज में किया होगा लेकिन एज अ साइंटिस्ट उन्होंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो वो थियोरी करना जानते हैं और वही कर रहे हैं। तो अभी ज्यादा चिंता करने से कोई फायदा नहीं, वो थियोरी जितना जितनी उनको आती है उन्होंने की, उन्होंने लिखी और उनका पब्लिकेशन आया, उसके बाद किसी और के हाथ में है। तो स्ट्रिंग थ्योरी के साइड से भी मैं कह सकता हूँ कि जो कुछ हम कर सकते हैं, जो कुछ हमें आता है हम करते हैं, और फिर अगर उसका कॉन्फर्मेशन हमारी लाइफ टाइम में हुआ या नहीं हुआ ये किसी और का प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। तो बहुत पेशेंस चाहिए, पेशेंस तो चाहिए, पेशेंस और मोटिवेशन। मतलब मोटिवेशन ये है कि जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो करना चाहिए मैक्सिमम, जितने में पब्लिकेशन, अच्छे पब्लिकेशंस कर सकता हूँ वो करना चाहिए, और बाकी जो मेरे हाथ में नहीं है, अभी मुझे कोलाइडर फिजिक्स में कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं जिनीवा जाके एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता हूँ, वहाँ 2-3 हज़ार लोग कर रहे हैं, उन्हें करने दो। तो ये बैक एंड फोर्थ साइंस में हमेशा ऐसा रहता है कि जो एक्सपेरिमेंट कर सकता है वो करता है, जो थ्योरी कर सकता है वो करता है, जो दोनों कर सकता है वो ऐसे करता है, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। तो थ्योरी और एक्सपेरिमेंट दोनों करने वाले लोग काफी रेयर हो गए हैं आजकल। देखिए थ्योरी और एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग हाँ रेयर हैं, अभी तो रेयर हैं, एक जमाने में सब लोग करते थे, सब लोग थ्योरी और एक्सपेरिमेंट दोनों करते थे। क्योंकि मैं सिंगल ऑथर्ड पेपर देख रहा हूँ जिसमें एक्सपेरिमेंट भी किया और थ्योरी भी साथ में। कौन से सब्जेक्ट में? सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में नहीं, आज भी कोई कोई लोग हैं, हमारे यहाँ एक विजिटर थे वो थियोरिस्ट और एक्सपेरिमेंटलिस्ट दोनों थे। अच्छा। लेकिन हाई एनर्जी फिजिक्स जो मेरा सब्जेक्ट है वो उसमें बहुत रेयर है, हाई एनर्जी फिजिक्स में या थियोरी करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें आपकी तो हाई एनर्जी फिजिक्स में तो मैं देखता हूँ कि एक्सपेरिमेंट्स में इतनी बड़ी बड़ी कोलेबोरेशन रहती है, यही बात है, बहुत बड़ी, मतलब हमारा आईसर पुणे भी एक बहुत बड़ी कोलेबोरेशन का पार्ट है, सीएमएस। तो उसमें मतलब कि उसकी अगर एक पेपर की ऑथर लिस्ट देखें उसमें ऑथर्स कम और इंस्टीट्यूट्स के नाम ज्यादा होते हैं। इसमें 4-5 हज़ार ऑथर्स हैं। हाँ, exactly. तो कई पेजेस का अपेंडिक्स शायद होता होगा जिसमें ऑथर्स की लिस्ट। तो देखिए ये यहाँ ये देख के आप समझ सकते हैं कि बहुत कोऑपरेटिव एफर्ट है। Exactly. जितने 5 हज़ार ऑथर्स पेपर पे रहते हैं इसका मतलब ये है कि एक अपना काम एक कोने में कर रहा है, दूसरा अपना काम दूसरे कोने में कर रहा है, वो भी दुनिया के किसी दूसरे कोने में, हाँ दुनिया के भी दूसरे कोने में। तो एक्सपेरिमेंट कम्स फ्रॉम ऑल दिस कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन। और थियोरी भी एक कोऑपरेशन है, मतलब थियोरी और एक्सपेरिमेंट के बीच में भी कोऑपरेशन है। तो वैसे फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, एक बड़ा सब्जेक्ट है, और एक एक साइंटिस्ट अपना अपने स्टाइल से अपना काम करता है। नहीं, आजकल तो एक वो जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो लॉन्च किया वो 3 एजेंसीज की, स्पेस एजेंसीज की कोलैबोरेशन, नासा और कैनेडियन एंड यूरोपियन, फ्रेंच गायना से लॉन्च किया, इतनी बड़ी टेलीस्कोप, डेट
15 लाख किलोमीटर दूर भेज दी। तो बहुत बड़े बड़े एफर्ट्स ह्यूमैनिटी चाहे एक साथ तो बहुत कुछ किया जा सकता है जब साइंस हमारा मकसद होता है। आई थिंक साइंस यूनाइट्स। लेकिन मैं कहूंगा कि एजेंसीज जब कोऑपरेट करती हैं अलग अलग देशों की, दैट इज फैंटास्टिक। किस सेंस में? क्योंकि एजेंसी बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेटिक ऑब्जेक्ट है ना। और साइंटिस्ट फिर भी इंडिविजुअल लेवल पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन एजेंसी आप देखोगे तो उसमें इतने सारे साइंटिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, अकाउंटेंट्स वगैरह वगैरह हैं, तो उनका कोलैबोरेशन बहुत मिराक्युलस लगता है मुझे। क्वाइट मिराक्युलस, या आई एग्री, आई अंडरस्टैंड। अच्छा, मेरा एक सवाल हमेशा रहता है कि जैसे हम एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं, अब अल्बर्ट आइंस्टाइन वेल नोन थ्योरेटिशियन, आई थिंक दुनिया के उस टाइम पर एटलीस्ट सबसे पॉपुलर साइंटिस्ट शायद है ना, वो कुछ भी बोलते थे अगले दिन न्यूज़पेपर में आता था। पर उन्होंने एक बात शुरू की थॉट एक्सपेरिमेंट्स, वो ये थॉट एक्सपेरिमेंट करके अपनी थियोरी को खुद ही वेरीफाई करने की कोशिश करते थे। पहली बात तो ये थॉट एक्सपेरिमेंट क्या है, और दूसरा ये थॉट एक्सपेरिमेंट का मतलब उनका कि वो रियल एक्सपेरिमेंट जो होते हैं उनका वो उनको हाईजैक करने की कोशिश करते थे, उनकी जरूरत ही नहीं है। देखिए ऐसे नहीं है, थॉट एक्सपेरिमेंट से वो अपनी थियोरी वेरीफाई नहीं कर सकते। अच्छा। उनकी थियोरी बाद में वेरीफाई हुई, एक्सपेरिमेंट रियल एक्सपेरिमेंट। थॉट एक्सपेरिमेंट एक गाइडेंस है। थॉट एक्सपेरिमेंट ऐसे ऐसे चलता है कि थियोरी जो है एक बड़ी चीज है जिसके अलग अलग प्रिडिक्शंस हैं, एक थियोरी के अलग अलग प्रिडिक्शंस होते हैं, तो वो मैच होते हैं, फिट होते हैं, या वो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो थॉट एक्सपेरिमेंट ये होता है कि अभी मैं एक थियोरी बना रहा हूँ, इस थियोरी में ये इफेक्ट ऐसा होगा, वो इफेक्ट वैसा होगा, कैन आई एक्सप्लेन बोथ द थिंग्स इन द सेम वे। तो थॉट एक्सपेरिमेंट एक गाइडेंस, एक तरीका है कि थियोरी कैसे बनाए, बट थियोरी स्टिल अ प्रपोजल। जो थॉट एक्सपेरिमेंट करके थियोरी प्रपोज करते हैं फिर भी वो प्रपोजल है, उसको टेस्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, उसको टेस्ट करना ही पड़ेगा, डेफिनेटली रियल एक्सपेरिमेंट से टेस्ट करना पड़ेगा, डेफिनेटली। ओके, आई सी। तो ये जो आइंस्टाइन के जो थॉट एक्सपेरिमेंट वाला ये जो फॉर्मूला, ये एक सोचने का तरीका था, सोचने का तरीका था, इट काइंड ऑफ डिसिप्लिन, मेंटल डिसिप्लिन यू कैन से। तो किस माइंड को कैसे, क्योंकि हम कुछ भी सोच सकते हैं। अभी लोग समझते हैं कि हम लोग स्ट्रिंग थियोरिस्ट या कोई भी थियोरिस्ट ऐसे पलंग में लेट के सोचता है कि व्हाई नॉट टाइम गोज बैकवर्ड्स फॉरवर्ड्स अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, ऐसा ये सब बकवास है, ऐसा इनडिसिप्लिन थॉट से कुछ साइंस नहीं होता, और इंस्पिरेशन भी ऐसे यू नो हवा से नहीं आता है, कुछ डिसिप्लिन थिंकिंग और डिसिप्लिन कैलकुलेशन से रिजल्ट्स आते हैं। तो आइंस्टाइन दोनों करते थे, वो कैलकुलेशन भी करते थे, लेकिन वो जब ट्रैम में बैठ के अपने पेटेंट ऑफिस में जा रहे थे तो ट्रैम में सोचने लगे कि वेलोसिटी का मतलब क्या है, स्पेस का मतलब क्या है, टाइम का मतलब क्या है, और ट्रैम की एग्जाम्पल से उन्होंने स्पेशल रिलेटिविटी के आइडियाज पैदा किए, मतलब उनके माइंड में पैदा हुए। तो इट इज अ काइंड ऑफ थॉट एक्सपेरिमेंट, उसमें पूछते हैं व्हाट इफ, लेकिन उसका आंसर कहीं से आना चाहिए, मतलब कुछ इंट्यूशन या एक्सपीरियंस से आना चाहिए। तो इट इज कनेक्टेड विद रियल एक्सपीरियंस, थॉट एक्सपेरिमेंट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम रियल एक्सपीरियंस। आई सी। सो समहाउ इट्स कनेक्टेड टू रियल एक्सपीरियंस। इट इज कनेक्टेड टू रियल एक्सपीरियंस। आई सी। अच्छा, कुछ दर्शकों के सवाल है, मैं एक सवाल करता हूं। नेहा पूछ रही है कि एट द बिगिनिंग ऑफ देयर करियर और नियर द एंड ऑफ देयर स्टडीज, हाउ साइंटिस्ट डिसाइड इफ दे वांट टू बी एक्सपेरिमेंटलिस्ट और थ्योरेटिशियंस। हाँ, ये एक तो एप्टीट्यूड है, कोई लोग अपने हाथ से काम करना वो पसंद करते हैं जब बचपन में, जैसे स्पेशली मैं बताऊंगा कि यूएस जो बहुत टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी, यूएस और यूरोप और आल्सो नाउ जापान, मेनी कंट्रीज, तो वहाँ लोग अपने घर में खुद अपना इलेक्ट्रिकल काम करते हैं, वो डिसमेंटल करते हैं, अपने किसी पेरेंट्स का कोई म्यूजिक सिस्टम या कुछ भी होगा तो बच्चा स्क्रू ड्राइवर लेके उसको खोलता है, तोड़ देता है, बट यू नो इट्स अ रिच सोसाइटी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो पीपल हु हैव दैट एप्टीट्यूड दे मे गो इन फॉर एक्सपेरिमेंट, पीपल हु हैव एप्टीट्यूड फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन चाहिए थियोरी में, एब्स्ट्रैक्शन बहुत जरूरी है, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सबके लिए नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है कि जो अभी आप टेबल देखेंगे तो टेबल पे वायर्स हैं, मेस है,
देख उसका मीनिंग क्या है। मैं एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे डेटा डेटा टेबल्स बनाते हैं या ग्राफ्स बनाते हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या है उस वो समझने के लिए हम थोड़ा स्टेप बैक करते हैं। ओके हाँ, तो डिटेल्स देख के पढ़ के फिर हम स्टेप बैक करते हैं, इसका ब्रॉड मीनिंग क्या है, व्हाट इज द बिगर पिक्चर। आई सी। तो बिगर पिक्चर से थियोरी बनती है, क्योंकि थियोरी ऐसी नहीं है कि वन एक्सपेरिमेंट आई मेक वन थियोरी, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अनदर थियोरी, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक्सपेरिमेंट से एक पिक्चर बननी चाहिए जो दूसरे एक्सपेरिमेंट्स को करेक्टली प्रिडिक्ट करेगी। तो थियोरिस्ट मस्ट हैव सम पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, सम पावर ऑफ मैथमेटिक्स, सम पावर ऑफ कॉम्प्यूटेशन, मे बी सम नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो नाउडेज। तो ये क्वालिटीज हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए, ऐसे लोग भी हैं जो दोनों करते हैं, या तो जो अपने करियर में थ्योरी कर रहे थे और रिटायरमेंट के बाद एक्सपेरिमेंटलिस्ट बन गए। एक बहुत फेमस है, मैं नाम भूल गया हूँ, शायद आइस क्यूब एक्सपेरिमेंट जो है ना, तो वो आइस क्यूब एक्सपेरिमेंट के जो हेड हैं एक पार्टिकल थियोरिस्ट हैं, लेकिन अभी वो एक्सपेरिमेंट के हेड बन गए। तो ये भी हो सकता है। Oh, that is interesting. This is beautiful. It is very interesting. Actually, ये जो मुझे याद आ रहा है वो जो BCS theory में थी, जो कौन बार्डिन, जॉन बार्डिन, वो पहले experimentalist थे ना, फिर उन्होंने BCS, क्योंकि वो पहला transistor बार्डिन भी उसमें involved थे ना। बार्डिन शॉकली, actually दो बार्डिन्स हैं, तो मैं confused हो जाता हूँ। No, so this father and son. But anyway, yeah, I think father, father, son, देखना पड़ेगा, मुझे लगा कि ये दोनों same बार्डिन हो सकता है। वो एक बार विलियम शॉकली और बार्डिन से नाराज होके वो उन्होंने वो छोड़ दिया था, वो वाला उनका जो कंपनी फिर बन गया था, अच्छा एक सेमीकंडक्टर, मैं भूल रहा हूँ। अच्छा, और उसके बाद वो फिर थियरी में शिफ्ट कर, बड़ी इंटरेस्टिंग है। डेफिनेटली। ओके, झिलिक पूछ रही है, कैन यू एक्सप्लेन इफ स्ट्रिंग थ्योरी वुड बी पुट टू द एक्सपेरिमेंटल टेस्ट। हाँ ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो इट इज़ अ थ्योरी ऑफ क्वांटम ग्रेविटी, मतलब वो ये एक्सप्लेन करना चाहती है कि ग्रेविटी जो एक रियल फोर्स है उसके क्वांटम इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स सही है, ग्रेविटी भी सही है, लेकिन किसी ने कभी क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी का साथ में एक थियोरी की एक थियोरी नहीं बनाई है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। तो स्ट्रिंग थियोरी या कोई भी थियोरी जो क्वांटम ग्रेविटी को स्टडी करती है उसके टेस्ट्स वो होंगे जो क्वांटम ग्रेविटी को टेस्ट करते हैं। तो कोई भी क्वांटम ग्रेविटी को टेस्ट कर सकता है, दैट पर्सन डजंट हैव टू नो स्ट्रिंग थियोरी और बिलीव स्ट्रिंग थियोरी और वरी अबाउट स्ट्रिंग थियोरी एट ऑल। ग्रेविटी के क्वांटम इफेक्ट्स आप एक्सपेरिमेंट बनाइए उसको टेस्ट करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग थ्योरी का टेस्ट होगा। और भी अलावा स्ट्रिंग थ्योरी के अलावा और भी क्वांटम ग्रेविटी थियोरीज हैं, तो उनमें से आप सारी थियोरीज को टेस्ट कर पाएंगे, लेकिन आपको ग्रेविटी के क्वांटम इफेक्ट्स टेस्ट करने होंगे। और ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है एक्सपेरिमेंटल साइड से। ऐसा क्यों? ये प्रॉब्लमैटिक इसलिए है कि ग्रेविटी बहुत वीक फोर्स है। हम सोचते हैं कि ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, हाँ, क्योंकि मैं गिर गया तो मेरी हड्डी टूट जाएगी, उसका मतलब ग्रेविटी इज पुलिंग मी डाउन वेरी स्ट्रांगली। लेकिन ये इसलिए हो रहा है कि पृथ्वी बहुत भारी है और मैं भी बहुत भारी हूँ। उतना नहीं, लेकिन हम तो काफी हेल्दी। थैंक यू। लेकिन दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जैसे दो इलेक्ट्रॉन्स, आप दो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, उनके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स भी है और ग्रेविटी फोर्स भी है, लेकिन ग्रेविटी फोर्स बहुत बहुत वीक है कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां ग्रेविटी फोर्स इतनी स्ट्रांग हो जाए बिटवीन पार्टिकल्स, नॉट बिटवीन बिग ऑब्जेक्ट, बिटवीन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। आप ग्रेविटी की फोर्स कैसे भी स्ट्रांग बना सकते हैं, बाय गिविंग दैट ऑब्जेक्ट लॉट ऑफ एनर्जी। हाँ, शायद वो पल्स लेजर से आप किसी पार्टिकल को बहुत एक्सट्रीम हाई एनर्जी दे सकें, तो शायद क्वांटम ग्रेविटी का टेस्ट हो सकता है। और देन नथिंग रूल्स इट आउट एक्सेप्ट दैट आज हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन 20 साल पहले हमारे पास ग्रेविटी वेव्स टेस्ट करने की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। Exactly. और अभी है, और अभी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं रूटीन हो गई है। तो दिस इज लाइफ, आई मीन
इट कैन बी डन, इट मे बी डन आफ्टर वी आर बोथ गॉन और एनीथिंग, लेकिन इसका कोई नेगेटिव प्रूफ नहीं है कि ये नहीं हो सकता है. आज तक नहीं हुआ है, इससे इसका मतलब नहीं कि भविष्य में नहीं होगा. मतलब थ्रेटिशियंस जो हैं स्ट्रिंग थ्योरी पर जो काम कर रहे हैं वो अपना काम नहीं छोड़ेंगे कि मतलब वो मोटिवेटेड है और लगे हाँ मोटिवेटेड हैं. और जो हम पब्लिश कर रहे हैं वो ऐसे हो सकता है कि बहुत सारे पेपर्स पब्लिश होते हैं 95% या 99% 5 साल में यूजलेस, सॉरी टू से. वो तो बहुत सारे फील्ड में, सब फील्ड में सेम है हाँ. तो लेकिन चांस है, छोटा सा चांस है कि जो मैं कर रहा हूँ वो 10 साल के बाद या 100 साल के बाद किसी को काम आए. बिल्कुल, तो ये मेरा मोटिवेशन है. बिल्कुल, दैट्स ऑल. एग्जैक्टली. नो, दीस आर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स एक्चुअली. सो दिस इज व्हाट यू नो ड्राइव्स अस साइंटिस्ट टू कीप वर्किंग ऑन टुवर्ड्स वर्किंग एंड वर्किंग हार्ड. मतलब वर्किंग सीरियसली, जो हम जानते हैं, जो कुछ हम कर सकते हैं वो सीरियसली करना चाहिए. दैट इज ऑल आई कैन से एज एडवाइस टू एनीवन. And not only in field of physics, ये किसी भी field में आप एक छोटे इंसान है, दुनिया बहुत बड़ी जगह है, आप क्या कर सकते हैं? आप दुनिया को normally आप change नहीं कर सकते हैं unless you become president of a country or something. Most individual, हम individual दुनिया को change नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपना काम ठीक से कर सकते हैं. थिरुविक्रमन जी शुक्रिया, आप बता रहे हैं कि जॉन बार्डी नहीं थे जिन्होंने दो नोबेल प्राइजेस जीते. दो नोबेल प्राइज, करेक्ट करेक्ट. अच्छा, तो दर्शकों आप अपने अपने सवाल लिखते जाइए, हमें जैसे जैसे बीच में मौका मिलेगा हम सुनील से पूछते जाएंगे. अच्छा सुनील, मुझे ये बताइए कि आपकी फेवरेट थ्योरी कौन सी है? मेरी फेवरेट थ्योरी है आइंस्टाइन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ओके. लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो एक्सप्लेन करने के लिए वो अलग डिस्कशन हो सकता है उसके ऊपर, या अलग लेक्चर हो सकता है उसके ऊपर. लेकिन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो बहुत सिंपल है और बहुत हार्ड है. उसका इक्वेशन आप देखेंगे बहुत ही सिंपल है, आप एक लाइन में लिख सकते हैं उसके फुल इक्वेशंस. लेकिन उसको समझने के लिए, उससे फिजिक्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए, प्रिडिक्शंस कैलकुलेट करने के लिए बहुत 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 मतलब बहुत मेहनत लगती है. और उसके इफेक्ट्स बहुत सटल हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत नॉन लीनियर हैं. तो ये मुझे बहुत पसंद है कि इट इज बेस्ड ऑन अ सिंपल आइडिया, और वो आइडिया है स्पेस टाइम, कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम. ये तो आपने पढ़ा होगा, सब लोग पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू जनरल रिलेटिविटी स्पेस टाइम इज कर्व्ड. जो कर्वेचर है वो ग्रेविटी, उसका इफेक्ट, फिजिकल इफेक्ट, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं. अभी स्पेस जो कर्व्ड है, जैसे ये ग्लोब है यहाँ, ये कर्व्ड है, लेकिन ये कर्व्ड स्पेस है, वो लोग समझ सकते हैं. स्पेस टाइम का कर्वेचर क्या होता है, ये बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज है. ये आज तक भी मैं भी इंट्यूटिवली नहीं समझ पाया. तो ये फोर्थ डायमेंशन ऐड होगी टाइम की, फोर्थ डायमेंशन, जो कि बाकी तीन डायमेंशन से भी रिलेटेड है. और वो साथ में कर्व होते हैं, साथ में कर्व. हाँ, लेकिन ये सिर्फ पिक्चर नहीं है, ये एक्चुअली इक्वेशंस है. हाँ, ये स्पेस टाइम कर्वेचर कहने से कुछ नहीं होता है, वो कहने से इक्वेशंस में ट्रांसलेट होते हैं और वो इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं. लेकिन बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है, और सिंपल आइडियाज फिजिक्स में सिंपल इज ब्यूटीफुल. लेकिन सिंपल इज करेक्ट वो नहीं कह सकता. लेकिन फॉर्चुनेटली आइंस्टाइन की थियोरी बहुत बार टेस्ट हुई है और वो बिल्कुल सही है. क्लासिकल डोमेन होती जा रही है, रोज टेस्ट होती जा रही है. एग्जैक्टली. अभी वो ग्रेविटेशनल वेव्स जो मिली है लाइगो से, वो आइंस्टाइन की थियोरी का एक अल्टीमेट टेस्ट है, ह्यूज कोलैबोरेशन ऑफ द वर्ल्ड. और 50 साल पहले लोग सोचते थे कि इसका टेस्ट कभी हो ही नहीं सकता. अच्छा, ऐसा भी था? ऐसा क्यों सोचते थे? देखिए, लोग ये गलती हमेशा करते हैं कि जो आज तक नहीं हुआ है इसका मतलब कल भी नहीं होगा. दिस इज अ वेरी बैड फिलॉसफी. ये फिलॉसफी बिल्कुल गलत है. हाँ, उसका ऑपोजिट, जो क्रिएटिव इंसान है उनको सोचना चाहिए कि जो आज तक नहीं हुआ कल होना ही चाहिए. हाँ, अगर कुछ इंटरेस्टिंग है जो आज तक हम समझ नहीं पाए, जैसे मैं एक पेपर पढ़ रहा हूँ, आज तक मैं नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन मैं कल समझूंगा. दिस इज द ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक. तो ग्रेविटी वेव्स की वही बात है कि पीपल, लोग सोचते थे कि इन प्रिंसिपल शायद वेव्स नहीं है, क्योंकि आइंस्टाइन इक्वेशन इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि लोग इन्हें सॉल्व नहीं कर पाए. फिर वो सॉल्व करके अलग अलग लोगों ने अलग सॉल्यूशंस लिखे और
कुछ ये कंट्रोवर्सी भी थी कि ये ग्रेविटी वेव्स रियल है या रियल नहीं है, फिजिकल है या फिजिकल नहीं नहीं है, ऐसा कंट्रोवर्सी ये थी कि जो सलूशन निकल के आ रहा है वो फिजिकल है भी, फिजिकल है भी या नहीं। तो लेकिन कंट्रोवर्सी कुछ साल चलती रही लेकिन फाइनली सेटल हो जाती है, हर एक चीज कंसेंसस बन जाता है, काफी सारे लोग उस पे काम करते हैं और फाइनली 5 साल 10 साल 20 साल के बाद सेटल हो जाता है। तो अभी कुछ डेकेड से सेटल हुआ है कि ग्रेविटी वेव्स आर रियल एंड डिटेक्टेबल, लेकिन फिर भी कोई लोग डाउट कर रहे थे कि ये LIGO एक्सपेरिमेंट बन रहा है, उसे कुछ नहीं, वो कुछ नहीं देखेंगे, वो इतना एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंट है और एक भी रिजल्ट नहीं आएगा और एक भी इवेंट नहीं आएगा। तो फाइनली जब इवेंट्स आने लगे तो ऑब्वियसली बहुत बहुत एक्साइटमेंट था कि ये रियल है, जैसे प्रिडिक्शन था वैसा एग्जैक्टली, और जैसा प्रिडिक्शन था, प्रिडिक्शन ग्रेविटी वेव्स के प्रिडिक्शन बहुत डिटेल में है कि ई मोड्स बी मोड्स वो टाइप ऑफ मोड्स हैं, वो पोलराइजेशन मोड्स हैं, एग्जैक्टली वो दिखा। तो बहुत ब्यूटीफुल सा डेटा आया जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली उस प्रिडिक्शन के साथ मैच कर रहा था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा मान लो सुनील एक टी शर्ट पहनते हैं जिसके ऊपर साइंस की कोई इक्वेशन लिखी हुई हो, वो इक्वेशन क्या होगी? आपकी फेवरेट इक्वेशन क्या होगी? देखिए E equals MC squared तो नहीं होगी क्योंकि सब लोग इसको रिपीट करते हैं बट कोई इसको समझने की कोशिश नहीं करता है। एक्चुअली मेरा इक्वेशन है E equals M। ऐसा क्यों? C वन? क्योंकि मैं इस यूनिट्स में काम करता हूँ जहाँ C is equal to 1। तो मुझे याद है कुछ कोर्सेज जो मुझे मेरे थियोरेटिकल थियरिस्ट प्रोफेसर ने पढ़ाए थे, उन्हें वो सारे फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स को सी को एच को वन पुट कर, आई थिंक ई को भी वन पुट कर देते थे। हाँ कर सकते हैं। और लास्ट में फिर डायमेंशनल एनालिसिस करके फिर दोबारा से वापस, मुझे बड़ा बहुत डर लगता था इस नहीं डरना चाहिए क्योंकि लोग ऐसे करते हैं और फिर लास्ट में अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वापस कॉन्स्टेंट वापस कैसे डालो तो कोई नंबर नहीं निकलेगा। मेरे लिए दिक्कत हो जाती थी क्योंकि सारा आइडिया स्केल्स का एकदम वैनिश हो जाता था। मतलब जैसे हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड से 1/c होती है, और वो इक्वल टू बी बन गया। नहीं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। एक्चुअली थियोरिस्ट, मैंने कहा था पहले कि थियोरिस्ट कुछ एब्स्ट्रैक्ट करते हैं या बिगर पिक्चर देखते हैं लेकिन थोड़ा कभी कभी ओवरडू भी करते हैं। हाँ तो सेटिंग सी इक्वल्स वन एग्जैक्टली हम भूल जाते हैं कि मैग्नीट्यूड्स आर इम्पोर्टेंट, मैग्नीट्यूड नंबर मेजरेबल नंबर दिस इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये हम भूल जाते हैं। एक्सपेरिमेंटलिस्ट ना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत आपके लिए नंबर्स, मुझे एब्स्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। देखिए मेरे लिए भी नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो नंबर से हम देख ले पा रहे हैं कि हमारे साथ अभी 34 लोग जुड़े हुए हैं। तो सभी दर्शकों को का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप क्वेश्चन अपने पूछते जाइए, हम सुनील से पूछते जाएंगे। और हाँ लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हमारी ये जो अभी इतनी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चल रही है और लोगों के पास भी पहुंच सके। ओके एक क्वेश्चन मेरा ये है कि इनफैक्ट ये नहीं ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमारे दर्शकों में से किसी ने पूछ रखा है। अच्छा तो मैं वही पढ़ देता हूँ। थिरुविक्रमन जी पूछ रहे हैं कि मोस्ट प्रोमिनेंट फिजिसिस्ट थियरिस्ट हुए हैं जो कि बड़े पॉपुलर, जैसे आइंस्टाइन, फाइनमैन, हॉकिंग, पेनरोज, श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग, पॉली, डिराक। एक्सपेरिमेंटलिस्ट जो कि मीडिया में आए हैं, न्यूज़पेपर के फ्रंट में आए, बहुत रेयर हुए हैं। तो इससे मैं ये समझ लूं कि हम लोग बहुत मॉडेस्ट हैं एक्सपेरिमेंटलिस्ट, या इसका कोई और रीजन भी है? सॉरी देखिए इसके नहीं, मैं इसके कई रीजंस दे सकता हूँ। एक तो मीडिया और पब्लिक में एक बायस है कि जीनियस का बायस है, और जीनियस कुछ काम नहीं करता है। जीनियस बेसिकली इज अ लेजी मैन और लेजी वुमन, और वो चाहे कुर्सी में बैठ के वो डीप थॉट सोचते हैं और उनको इंस्पिरेशन कहीं और से आता है, ऐसा कुछ नहीं है। रियली स्पीकिंग ऐसा नहीं है। रामानुजन बोलते थे उनके साथ ऐसा है, शायद रामानुजन जी खास टाइप के जीनियस थे। बट जैसे वो स्टेटमेंट है ना कि जीनियस इज 3% इंस्पिरेशन एंड 97% परस्पिरेशन, तो हार्ड वर्क करना पड़ता है। आइंस्टाइन ने भी किया, फाइनमैन ने भी किया, सब लोग ने किया। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि जो थियोरिस्ट है वो दिन में 2-3-4 घंटे इम्पॉर्टेंट काम कर सकता है, उसके बाद ब्रेन थोड़ा पक जाता है। इट नीड सम, इट इज डिफिकल्ट टू हैव जस्ट थॉट्स। वो हाथ से जो आप कर रहे हैं वो, मैं भी
अगर कुछ कुछ हाथ से कर रहा हूँ या मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ तो मैं 12 घंटे काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे थियोरी के ऊपर काम करना है, इक्वेशंस के ऊपर काम करना है, तो काफी स्ट्रेसफुल है और बैटरी डिस्चार्ज होती है। उसके बाद चाय कॉफी पे उसके बाद चाय कॉफी और प्रेस से बात करना और अपने आप को एडवर्टाइज करना तो इसमें कुछ वो नहीं है कि कोई हैरानी वाली बात नहीं है थ्रेटिशियन नहीं, बट लेकिन लेकिन मैं एक और बात कहूंगा, जस्ट टू बी फेयर, आइंस्टाइन, हॉकिंग वगैरह, फाइनमैन, वो बहुत अच्छे टीचर्स भी थे, एक्सपोजिटर्स थे, क्योंकि एग्जैक्टली बिकॉज दे कुड सी द बिग पिक्चर। जैसे मैंने कहा था कि एब्स्ट्रैक्शन बिग पिक्चर, जो बिग पिक्चर वो देख रहे थे वो पब्लिक को समझा सकते थे इन सिंपल वर्ड्स। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंटलिस्ट डोंट सी बिग पिक्चर, वो भी बिग पिक्चर देखते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट द्वारा देखते हैं और वो बहुत उसके अंदर बहुत डीपली बेरिड हैं। और शायद ऐसे हो सकता है कि वो जल्दी वो पब्लिसिटी ओरिएंटेड इतने नहीं है, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग। ऐसे पब्लिसिटी ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंटलिस्ट भी हैं दुनिया में, है। प्रेस इतना अटेंशन नहीं देती है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि एक्चुअली हम यूटिलिटी को बहुत डिसरिगार्ड करते हैं, किसका काम हमें किसके काम से हमें फायदा हुआ है, डायरेक्टली फायदा हुआ है। अभी एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, फॉन रॉयंटगेन ने एक्सरेज डिस्कवर किए, तो एवरी डे मतलब दुनिया भर में कितने सारे एक्सरेज बनते होंगे रोज, थाउजेंड्स में भी, मोर देन थाउजेंड में भी, टेंस ऑफ थाउजेंड्स, जिसके जिसका फ्रैक्चर है, जिसका किसी कोई इंजरी है या कुछ भी है, उसको इमीजिएटली एक्सरे करते हैं। और वो क्लासिक एक्सपेरिमेंटर थे, वो एक्चुअली अपने लैब में टिंकर कर रहे थे, खेल रहे थे, और उन्होंने कुछ इफेक्ट देखा कि ये रेज जो हैं वो वॉल के थ्रू भी पेनेट्रेट करते हैं। तो लेकिन वो ग्रैटिट्यूड का ये नहीं है कि वॉन रॉयंटगेन ने जो किया वो उससे मुझे फायदा हो रहा है, वो कनेक्शन पब्लिक कभी कभी देखती नहीं है, और पब्लिक और मीडिया बेसिकली सेम थिंग, वो कभी वो मिस करते हैं वो कनेक्शन। नहीं, आप जैसे बात कर रहे हैं, हमारे पास एक पिक्चर है जो आपसे ही मैंने ली थी, वो हम दिखाते हैं, क्योंकि रॉयंटगेन की बात हो रही है, मैं अपने सहायक अंकित से रिक्वेस्ट करूंगा ये पिक्चर दिखाएंगे। तो ये पिक्चर के बारे में आपका क्या कहना है? ये पिक्चर मैंने ली थी पुणे के KEM हॉस्पिटल के एक्सरे डिपार्टमेंट में। अच्छा। क्योंकि मैं हैरान हो गया कि देखिए इस साइंटिस्ट, इस महान साइंटिस्ट की तस्वीर पे लोग माला चढ़ा रहे हैं। इट इज इसका मतलब नहीं कि उनको भगवान बना रहे हैं, उनको हमारे एंसेस्टर्स मान रहे हैं, जैसे हम अपने एंसेस्टर्स, पिता, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स की तस्वीर पे माला चढ़ाते हैं, ये उनको एंसेस्टर मान रहे हैं। और ये सही है, ये ग्रैटिट्यूड है, शुक्रिया, शुक्रिया, हाँ, क्योंकि ये इन्होंने कुछ किया है हमारे लिए, मतलब कितनी हमारे लिए नहीं किया लेकिन हमें फायदा हो रहा है डेली। हाँ, और ऐसे एक और है सीवी रामन इंडिया के, और सीवी रामन रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी डेली यूज में है। अगर आपको किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन या स्कैन समझना है कि क्या है, क्या केमिकल्स हैं, क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, वो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी से होते हैं। अभी आपका कोई कैंसर या कुछ भी है, अगर उसके डिटेल्स जानना चाहते हैं तो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का द्वारा एक स्कैन करके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, और वो रोज यूज किया जाता है और पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया में। और लेकिन हम इंडिया में फॉर सम रीजन सीवी रामन किसी के हीरो नहीं, मतलब साइंटिस्ट कम्युनिटी में है डेफिनेटली, आईसर में हमारा एक हमारा ऑडिटोरियम सीवी रामन ऑडिटोरियम है, और रामन इंस्टीट्यूट वगैरह बहुत कुछ है, लेकिन पब्लिक इनकी इनके बारे में बात नहीं करती है ना। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई, क्योंकि बहुत फायदा हुआ है उनसे। नहीं, वही हम जो रॉकेट बॉयज मूवी की बात कर रहे थे, उसमें सीवी रामन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, गुड। इंडिया की वो साइंटिफिक डेवलपमेंट में पोस्ट इंडिपेंडेंस, इट्स वेरी वेरी नाइस। तो आप वो भी देखिए सोनी लिव पे। तो मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, बट पहली बार ऐसी एक सीरीज आई है जो देखने लायक है हमारे साइंटिस्ट को, मुझे ऐसा लगा। इनफैक्ट आप रामन की बात कर रहे हैं जो मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि रामन एक ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम जितने भी हम साइंस के पेपर्स लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बुक्स ले लें, उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी साइंटिस्ट का नाम आता है तो रामन का आता है, बिकॉज ऑफ रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आइंस्टाइन का भी नहीं आता। वेरी गुड, आई एग्री।
तो वो इतने सेलिब्रेटेड पूरी दुनिया में है, पर जैसे आप बता रहे हैं कि इंडिया में कॉमन पब्लिक को, और वो एक्चुअली काफी आउटस्पोकन भी थे और कैरिज्मेटिक फिगर भी थे, लेकिन अभी पता नहीं ये देयर इट्स नॉट समथिंग, आई डोंट नो व्हाई, आई कैन नॉट एक्सप्लेन. मुझे एक पिक्चर याद आ रही है जिसमें सीवी रमन और होमी बाबा आगे आगे चल रहे हैं और नेहरू जी पीछे चल रहे हैं. काफी कैरिज्मेटिक थे. और एक्चुअली बिफोर लीविंग दिस पॉइंट एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि गैलीलियो न्यूटन के पहले गैलीलियो था, और गैलीलियो और न्यूटन एक्चुअली उन्होंने गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए दे फॉर्म्ड अ बेसिस फॉर द थियोरीज विच केम आफ्टरवर्ड्स. तो वो इक्वली फेमस होने चाहिए, गैलीलियो फेमस है एक्चुअली, आई वोंट डिनाई दैट, लेकिन फिर भी पिक्चर पब्लिक के माइंड में ऐसा है कि न्यूटन बैठे बैठे कुछ थियोरीज बना रहे हैं और गैलीलियो बेचारे कुछ लीनिंग टावर पे जाके कुछ गिरा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हाथ से कर रहे हैं, और हाथ से जो काम कर किया जाता है वो लो लेवल का, इतने पब्लिक के माइंड में ऐसा है, ये बिल्कुल गलत है. न्यूटन के साथ तो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट करी थी, उनके सर पे एप्पल गिरा रही थी, वो उन्होंने खुद थोड़ी क्या वो और वो प्रोबेबली हुआ भी नहीं. या प्रोबेबली. ओके, तो एक र्यूमर वुल्फगैंग पाउली से शुरू हुआ था कि जब थ्रेटिशियंस या थियरिस्ट किसी लेबोरेटरी में घुसते हैं तो उसमें इक्विपमेंट काम करना बंद कर देता है. आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? देखिए मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, और मैंने जब एक एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स कोर्स लिया था पीएचडी में तो मुझे उसमें ए ग्रेड मिला, लेकिन मैं आपका हाइपोथेसिस कंफर्म कर सकता हूँ क्योंकि मैं पाउली जैसे नहीं लेकिन मैं मीडियोकर थियोरिस्ट हूँ, इसलिए शायद मैं एक्सपेरिमेंट में मैंने अच्छा परफॉर्म किया. तो ये इनवर्स कॉरिलेशन हो सकता है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग ये जोक है एक्चुअली एक और एग्जाम्पल है जिसमें एक्सपेरिमेंटल साइंस कैसे भी अंडरमाइन हो रहा है कि थियरिस्ट है, थियरिस्ट के आसपास, मतलब थियरिस्ट का ब्रेन इतना बड़ा है कि आसपास में सब डिस्ट्रॉय, यू सी दैट पिक्चर ना, कि थियरिस्ट बिल्डिंग में आता है और एक्सपेरिमेंट नहीं चलता, तो वो एक्चुअली कुछ नेगेटिव पिक्चर, एक्सपेरिमेंट का नेगेटिव पिक्चर देता है, लेकिन पब्लिक के कॉन्शियसनेस में ये जोक मतलब चलता है बिकॉज पब्लिक इज रेडी टू बिलीव दिस कि एक्सपेरिमेंटलिस्ट बेचारा कुछ हाथ से कर रहा है, बट थियोरिस्ट इज मोर पावरफुल. ये गलत है एक्चुअली, ये गलत है और ये बहुत डैमेज होता है इस टाइप के थिंकिंग से. नो, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू. इट्स थियरी और एक्सपेरिमेंट, इन दोनों के बिना मतलब साइंस नहीं चलेगी. वो एक बॉर्डर मूवी में एक डायलॉग था, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो. तो दोनों की जरूरत है. अच्छा, कोई सक्सेसफुल थ्योरी बताइए और वो क्यों सक्सेसफुल है, ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि एक सक्सेसफुल थ्योरी क्या होती है. ये देखिए, मॉडर्न थ्योरीज जो सक्सेसफुल हैं उनके बारे में मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन टेक्निकल हो जाएगा. आइंस्टाइन ग्रेविटी की बात कर रहे थे, वो सक्सेसफुल है, उसके एक्सपेरिमेंटल टेस्ट हुए हैं. जिसके पास मोबाइल फोन पे जीपीएस है वो रोज उसका टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप जीपीएस यूज करके कहीं पहुंच रहे हैं, आप गलत जगह नहीं पहुंच रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ आइंस्टाइन्स थ्योरी. आइंस्टाइन्स जनरल रिलेटिविटी और स्पेशल रिलेटिविटी, उसके अगर आप फॉर्मूला में उसके इफेक्ट्स इंक्लूड नहीं करते तो आपका मोबाइल फोन आपको अपने आपकी टारगेट से 10 किलोमीटर दूर पहुंचा देता. रोज का तो इतना उसके वो 10 किलोमीटर एरर पर डे अक्यूमुलेट करता. अगर तो, जीआर की अगर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का अगर इफेक्ट नहीं कंसीडर करेंगे. एग्जैक्टली. तो इसका टेस्ट रेगुलरली हो रहा है, तो ऐसे ये एग्जाम्पल, ये इसका टेस्ट हम लोग कर रहे हैं. ऑन टॉप ऑफ इट जितने स्पेस प्रोब्स हैं, जो आपके स्पेस टेलीस्कोप्स हैं या कोई भी प्रोब है जो आउटर स्पेस का जो लाइट सिग्नल या कोई भी इफेक्ट, एस्ट्रोफिजिकल इफेक्ट देख रहा है, उसमें जनरल रिलेटिविटी के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं कैलकुलेशन में, और वो कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन से फिट होता है. इसका मतलब जनरल रिलेटिविटी को टेस्ट कर रहे हैं. नहीं, मुझे याद आ रहा है इस बात से, वो क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट याद करता हूँ, जब जैसे आपने बात बोली कि 1919 में जब आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का टेस्ट हुआ, ये पता चला कि एक लाइट की किरण
सन के अराउंड बेंड कर जाती है, तो सन के पीछे छुपा हुआ जो स्टार है सोलर इक्लिप्स लगा और वो नजर आने लगा। करेक्ट, क्या माइंड बॉगलिंग चीज है, माइंड बॉगलिंग चीज है और बहुत सिंपल है कंसेप्चुअली, कंसेप्चुअली बहुत सिंपल है, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन, उसका ऑब्जर्वेशन बहुत कठिन हुआ होगा, बट दे डिड इट। नो, ऑब्जर्वेशन बहुत कठिन हुआ था क्योंकि एक जो सबसे पहले करने गए थे इसका टेस्ट, वो सोलर इक्लिप्स लगने लगा रशिया में, फ्रॉइनलिश करके थे, हाँ सुना मैंने, तो वो रशिया जा रहे थे और वहां पे वॉर लग गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उनको वहां पर वो वॉर प्रिजनर, अच्छा प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए। Yeah, prisoner of war. So that was a very sad incident. उनका सारा जो इक्विपमेंट था वो भी उन्होंने बोला वॉर का इक्विपमेंट है ये, शायद इसमें कुछ गन्स वन्स हैं, बट वो तो टेलीस्कोप्स और कैमरास थे। हम सोचते हैं साइंटिस्ट बहुत करेजियस है, लेकिन इतना करेज तो नहीं था कि वॉर जो था। Oh, this was this is crazy. exactly. एक और बात बताऊं, आइंस्टाइन थ्योरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो जो आप मोबाइल फोन और जीपीएस द्वारा आप टेस्ट कर रहे हैं, एग्जैक्टली आप नहीं टेस्ट कर सकते हैं, वो आपका मोबाइल फोन टेस्ट कर रहा है, वो फॉर्मूला समहाउ आपके मोबाइल फोन में और जीपीएस सिस्टम में है, वो कैलकुलेट करके, तो वो कैलकुलेट करके इंक्लूड कर रहा है। लेकिन और एक सिंपल थियोरी है जो आप टेस्ट कर सकते हैं, वो है न्यूटन्स थियोरी ऑफ ग्रेविटी। वो पुरानी थियोरी है, वो अभी हम समझते हैं कि वो अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली बहुत अच्छी थियोरी है और आज तक प्रैक्टिकल मैटर्स के लिए बहुत डे टू डे लाइफ। तो डे टू डे लाइफ में मैं आपके सामने एक टेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ एक बॉल है, आशीष आप घड़ी को देखिए, और आप 3 2 1 गो बोलिए, 3 2 1 गो। ये मेरी घड़ी इतना टाइम मेजर कर नहीं पा रही है, अप्रोक्सीमेटली लाइक 1 सेकंड या 1 सेकंड। तो देखिए विद इन 50% एरर या 100% एरर ये सही होगा। अभी आप इसको ज्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं, आप बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के बॉल ऊपर से फेंक सकते हैं, या भारी ऑब्जेक्ट फेंक सकते हैं, या दो ऑब्जेक्ट साथ में फेंक सकते हैं, एक जो हल्का है और एक भारी है, और आप कंपेयर कर सकते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट वेट फॉल्स एट द सेम स्पीड, ये प्रेडिक्शन है। तो मतलब कि अगर एक बहुत भारी है, एक बहुत हल्का है, वो दोनों अगर हम मतलब जैसे एक मैं एक पत्थर पकड़ लूं और एक बड़ा सा कुछ बॉल पकड़ लूं, वो दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे, सेम टाइम पे गिरेंगे, एग्जैक्टली। और ये न्यूटन थ्योरी एक्चुअली गैलीलियो ने डेवलप्ड, दिस इज सो काउंटर इंट्यूटिव, इट्स काउंटर इंट्यूटिव। देखिए फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पीपल थॉट द ऑपोजिट, कि इट्स ऑब्वियस दैट जो भारी, ज्यादा भारी बॉडी है वो जल्दी गिरेगी, इट्स ऑब्वियस। अभी आप खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यू विल सी वन थिंग, अगर आप कागज का एक पेपर छोड़ेंगे तो वो बहुत स्लोली गिरेगा, लेकिन उसका रीजन कुछ और है, वो विंड रेजिस्टेंस है, एयर फ्रिक्शन। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली करना है तो वैक्यूम के अंदर करना चाहिए, उसके अंदर आप देखेंगे कि कागज भी सेम रेट, कागज का क्रम्पल्ड बॉल और ये प्लास्टिक बॉल जो मैंने गिराया है वो एग्जैक्टली सेम रेट पे गिरता है। ये कोई भी कर सकता है, ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं और आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि फिजिक्स का लॉ एग्जैक्टली करेक्ट है, जितना मतलब जितना प्रिसिशन है आपके हाथ में उतने प्रिसिशन से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और आप अगर आपके कोई अंकल हैं जो जादू करते हैं, आप उनको चैलेंज कर सकते हैं कि मैं बिल्डिंग से ये ऑब्जेक्ट गिराऊंगा और आप जादू मंत्र वगैरह सब करके आप उसे रोकिए या स्लो कीजिए या फास्ट कीजिए या बेंड कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेस्ट कर सकते हैं। ये फिजिक्स का पावर है जो हर एक इंडिविजुअल टेस्ट कर सकता है, डोंट बिलीव अस, आप टेस्ट कीजिए खुद करके, लेकिन अंकल के सिर पे मत गिराना। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो करना नहीं चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन हम दर्शकों का ले लेते हैं। श्री नंदा घोष लिख रहे हैं, व्हाट वुड यू से अबाउट द करंट रोल ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इन पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस, हम अपना काम ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं? देखिए इट कैन ऑलवेज बी बेटर, किसी भी चीज के बारे में पूछो तो इट कैन ऑलवेज बी बेटर, ये बहुत सेफ रिप्लाई है। लेकिन बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं, एक मैंने सुना है एक प्रोफेसर एश है, उनका कोई प्रोग्राम है, आप उनको पहचानते होंगे, आपका ट्विन है शायद, मैं भूल गया हूँ, अभी जब मैं आपके साथ बैठा हूँ ना तो मुझे खुद को प्रोफेसर कहने में शर्म आती है उसमें थोड़ी। नहीं लेकिन बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट साइंस पॉपुलराइजेशन कर रहे हैं, और सिर्फ शहरों में नहीं, विलेजेस में, रूरल एरियाज में, और वीडियोस बना रहे हैं और खुद टॉक्स दे रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं। एक संस्था है पुणे में जो, जिनके पास मैंने देखा, उनके पास इन्फ्लेटेबल प्लैनेटेरियम है, दिस इज अमेजिंग थिंग, आपने पता देखा होगा, ये रबर ट्यूब
से बना हुआ डोम है। तो डोम मतलब प्लैनेटेरियम में आप जानते हैं कि एक स्फेरिकल डोम है, उस पर प्रोजेक्शन नीचे से करते हैं और स्टार्स वगैरह देखते हैं। तो ये आप सिटी में कर सकते हैं इजीली, क्योंकि प्लैनेटेरियम में एक जगह बनता है और उसका कोई फंडिंग से वो बनाते हैं, तो परमानेंट स्ट्रक्चर है। लेकिन गांव में आप प्लैनेटेरियम कैसे दिखाओगे? तो ये मोबाइल प्लैनेटेरियम है, इतना बड़ा बॉक्स है और उसके साथ एक पंप है। तो आप इस बॉक्स को आप वॉल में प्लग इन करेंगे तो 5 मिनट में ये एक्सपैंड होता है और डोम बन जाता है। मेरे पास तस्वीर है, मैं आपको दूंगा, और मैंने खुद देखा है। और फिर उसके अंदर जैसे इग्लू जैसा है, आप क्रॉल करके अंदर से प्रोजेक्शन देख सकते हैं। लोग कर रहे हैं, एक्चुअली कर रहे हैं। दिस इज सो नाइस। अच्छा एक काम करते हैं सुनील, मेरे पास कुछ सेंटेंसेस है जो मैं सोशल मीडिया से पिक करता हूँ। अच्छा, तो दर्शकों के साथ मिलके हम देखेंगे कि आपका उन सेंटेंसेस पे रिएक्शन क्या है। रिएक्शन? अच्छा, आपको मैं हर सेंटेंस मेरा हार्ट रेट नहीं मेजर देखेंगे वो भी अगली बार हम इक्विपमेंट लेके आए, लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी लगाएंगे। तो सोशल कभी कभी झूठ भी बोलता हूँ वो पकड़ लेंगे हम। तो सोशल मीडिया में बहुत सारी एब्रप्ट स्टेटमेंट्स कुछ होती है, सोशल मीडिया उसी के लिए है, अब्रप्ट स्टेट। तो उनमें से कुछ गलत भी हो सकती है, ठीक भी होती है। ओके, तो हम ये जानना चाहेंगे उनमें से कौन सी गलत है, कौन सी ठीक है। ओके, तो दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स बताइए और हम सुनील का रिएक्शन भी देखेंगे। ओके, अच्छा, तो पहली स्टेटमेंट, इट्स पॉसिबल टू ट्रेवल इन द फ्यूचर इन टाइम बट नॉट इन पास्ट। सही है, सही है। तो हम फ्यूचर में जा सकते हैं, फ्यूचर में जा सकते हैं। मतलब ये थोड़ा सटल है कि हम एक्सेलरेशन, अगर हम एक्सेलरेटेड मूवमेंट करेंगे तो हम अपनी फ्रेम में जितना हमारा एज बढ़ जाएगा वो ग्राउंड फ्रेम में कम होगा। इसलिए हम 20 साल के बाद, हम तो सिर्फ 20 साल एक्चुअली सॉरी ग्राउंड की पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा होगा, तो हम यंग रहेगा, तो हम यंग रहेंगे। तो मैं कहीं जाके वापस आ सकता हूँ, उस समय मैं 65 से 70 होगा और आप भी 70 या 75 होंगे उस समय, क्योंकि आप यहाँ बैठे रहे। तो ये ट्विन पैराडॉक्स है। हाँ। ये सही है, लेकिन एक बार मैं ऐसे फ्यूचर में गया तो मैं वापस नहीं आ सकता हूँ, पास्ट में नहीं जा सकता। पास्ट में नहीं जा सकता, ठीक है। हम हर स्टेटमेंट के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम देंगे। ओके, सॉरी नहीं, दिस वाज ओके, दिस वाज ओके। अच्छा, एक तो आपने अभी बोल दिया खुद ही, मेरी स्टेटमेंट ये थी कि अगर हम स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी नहीं जानते तो हमारे पास जीपीएस ना होता। ट्रू, ठीक है। फोर्थ डायमेंशन को हम इमेजिन कैसे करेंगे? स्ट्रिंग थ्योरी हम बात करते हैं, 11 डायमेंशंस में भी कभी कभी बात होती है। या स्ट्रिंग थ्योरी तो कोई, इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो अभी इस समय 10 या 11 डायमेंशंस इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। शायद सिर्फ कोई कोई लोग कोशिश करेंगे, लेकिन 4 डायमेंशंस रियल हैं। फिर भी मुझे बहुत, आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, फ्रैंकली 4 डायमेंशंस इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात जल्दी से बताऊंगा, इफ आई कैन हैव 10 सेकंड एक्स्ट्रा, कि ग्रेविटी जो स्टडी करते हैं, ग्रेविटी पे रिसर्च करते हैं, वो स्पेस को 1 डिमेंशन में रिड्यूस करते हैं और 1 स्पेस 1 टाइम डिमेंशन, ये इसके डायग्राम्स बनाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना पड़ता है कि ऐसे जाएंगे डायग्राम में तो हम स्पेस में मूव कर रहे हैं, और ऐसे जाएंगे तो हम टाइम में मूव कर रहे हैं। तो वो स्पेस टाइम डायग्राम आ गया, 2 डिमेंशन का स्पेस टाइम डायग्राम लोग यूज करते हैं, बहुत यूजफुल है। और एक्चुअली पेनरोज ने एक टाइप का डायग्राम इन्वेंट किया, उसको पेनरोज डायग्राम कहते हैं, जो नोबेल प्राइज विनर 2020 के नोबेल प्राइज, ब्लैक होल की थ्योरी। अच्छा, पैरेलल यूनिवर्सिस होते हैं? हो सकते हैं, लेकिन एज फार एज आई नो पैरेलल यूनिवर्स में जो होता है वो हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इट नॉट, वो उसमें कोई थियोरेटिकल एडवांटेज हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीकेशन शायद नहीं होगा। अच्छा, तो प्रैक्टिकली अभी पता नहीं है हमें, या आई और कुछ नहीं कहूंगा इसके बारे में। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हम सब लोग एक सिमुलेशन का पार्ट है? हो सकता है, क्यों नहीं। सीरियसली, दिस इज फ्राइटनिंग, आई डोंट नो। लेकिन उसका वो कैसे डिटेक्ट करेंगे? एग्जैक्टली, तो अगर डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर हो सकता है, हो सकता है कि हम सपने, देखिए हम सिमुलेशन की बात कर रहे हैं, ये मॉडर्न क्वेश्चन है। ओरिजिनल क्वेश्चन जो पुराने फिलोसोफर्स का क्वेश्चन था कि हम सपने में एग्जिस्ट कर रहे हैं,
मतलब आप रियल नहीं है, मैं आपको सपने में देख के आपसे बात कर रहा हूँ, ये वैसा ही क्वेश्चन है मॉडर्न। हाँ, ये मॉडर्न वर्जन ये है। तो हु नोस। ओके, इंटरेस्टिंग। क्वांटम मैकेनिक इज नॉट वियर्ड, वी आर जस्ट टू लार्ज। दिस इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। तो हम जब ज्यादा हम बड़े हैं इसलिए हम क्वांटम मैकेनिक्स का जो टिपिकल साइज है वो एटम का साइज है, हम उससे बहुत बड़े हैं, इसलिए हमारे पास क्वांटम इंट्यूशन नहीं है। मतलब जो हम इमेजिन कर सकते हैं बाय प्योर एक्सपीरियंस वो सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स है। हम स्पीड ऑफ लाइट के पर भी नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए हम स्पेशल रिलेटिविटी भी एक्सपीरियंस से इमेजिन नहीं कर सकते हैं। लाइकवाइज हम छोटे नहीं हैं और छोटे डिस्टेंसेस हम नहीं देख सकते अपने सेंसेस से, तो वी कैनॉट एक्सपीरियंस क्वांटम थियोरी, इसलिए इंट्यूशन नहीं है उसका। लाइट इज ए पार्टिकल एंड अ वेव एट द सेम टाइम, ये ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो वेव फंक्शन है, वो क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम थियोरी में वेव फंक्शन कहते हैं, और उसका मतलब यही है कि पार्टिकल और वेव दोनों है। आपको फील्ड ज्यादा पसंद है या पार्टिकल्स? मुझे फील्ड पसंद है, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट है क्वांटम फील्ड थियोरी। ये सबसे मेरे माइंड में सबसे ऑल इनकम्पसिंग फ्रेमवर्क, फिजिक्स का फ्रेमवर्क है जो वेरीफाई किया गया। आइंस्टाइन की थियोरी भी उसमें आती है, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, सब क्वांटम फील्ड थियोरी के अंदर आते हैं। अगली स्टेटमेंट मेरी ये है जो मैं देखता हूँ ऑनलाइन, ह्यूमंस नेवर लैंडेड ऑन द मून। देखिए, इस पे मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, मैं तो लैंड नहीं हुआ हूँ, इतना मैं कह सकता हूँ, शायद आप भी नहीं। तो लेकिन probability एक चीज होती है कि the world around us is like this, there are certain things which happen. वैसे हमें क्या प्रूफ है कि अर्थ इज राउंड, या कि एक देश जिसका नाम मंगोलिया है कोई, मैं तो मंगोलिया नहीं गया, क्या प्रूफ है? लेकिन जनरली मैं कंस्पिरेसी थियरी में बिलीव ही नहीं करता हूँ, क्योंकि वो ये बहुत बड़ा कंस्पिरेसी होता, अगर कंस्पिरेसी होता तो बहुत इतना कॉम्प्लिकेटेड होता कि इट वुड कोलैप्स। तो ऐसी कंस्पिरेसी कोई नहीं बना सकता है। लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट, सरकार, वो सब मिलके कंस्पिरेसी बना सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट सो क्लेवर। ओके, अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ना होती तो मैग्नेट्स नहीं होती। हाँ, फंडामेंट ये तो गलत है बेसिकली। मैग्नेट्स हैं, मतलब मैग्नेट्स नेचर में हैं, और मैग्नेट्स तब से हैं जब से कोई थियोरी भी नहीं थी, फिजिक्स की कोई थियोरी नहीं थी, वो लोडस्टोन जो नेचुरल ऑकरिंग मैग्नेट और जो अर्थ का की मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा से है, एक्चुअली हमेशा से नहीं बट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। तो ये कोई थियोरी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन डीप मैग्नेटिज्म का डीपेस्ट एक्सप्लेनेशन वो स्पेशल रिलेटिविटी से आता है, और वहां से हम सीखते हैं कि मैग्नेटिज्म इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी एंड मोशन। सो इलेक्ट्रिसिटी और रिलेटिविटी, इलेक्ट्रिसिटी प्लस रिलेटिविटी गिव्स अस मैग्नेटिज्म। तो इस तरह होनी चाहिए स्टेटमेंट। तो और एक जमाने में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग टेक्स्ट बुक्स होते थे। एग्जैक्टली, टू सब्जेक्ट्स। और अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक थ्योरी है, एंड दैट इज डन बाय रिलेटिविटी, जिसने उनको यूनिफाई किया है। करेक्ट। व्हेन वी सिट ऑन अ चेयर वी आर एक्चुअली फ्लोटिंग। ट्रू, सीरियसली ट्रू, क्योंकि जो मुझे सॉलिड लगता है, मैं ऐसे करता हूँ तो मुझे सॉलिड लग रहा है लाइक, लेकिन सॉलिड का मतलब क्या है? इसमें एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और इसमें भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल इंटर मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन जैसे हो रहा है उससे ये सॉलिड फील हो रहा है। तो इन अ सेंस कुछ टचिंग नहीं है, मतलब एटम्स एक दूसरे से टच नहीं करते हैं, हमेशा एक इंटर एटॉमिक स्पेसिंग रहता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन है हमारे बीच में, चेयर के बीच में। Wow, this is a broader, I think Dyson, somebody like that studied this question, that why are objects solid means, or क्या उन्होंने question कैसे pose किया था मुझे याद नहीं है, but basically जब हम chair पे बैठते हैं तो हम उसके through क्यों नहीं जाते, मेरे atoms उसके atoms के through क्यों नहीं चले जाते हैं? Freeman Dyson as far as I know. हम check करेंगे। Okay, 5G radiation causes cancer? I don't think so. There is no evidence that I know. There is no evidence. Huh? As far as I know, there is no evidence. Yeah. So, no scientific evidence. Dark matter and dark energy are an escape route invented by theoreticians to save themselves from embarrassment.
एम्बैरेसमेंट देखिए थियोरेटिशियंस बहुत अपने आप को रेगुलरली एम्बैरेस करते हैं, ऐसा कुछ एम्बैरेसमेंट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर वो ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए थियोरीज इन्वेंट किए गए हैं। ऑब्जर्वेशंस सही हैं, गैलेक्सीज के रोटेशन में कुछ प्रॉब्लम है जो जिसके द्वारा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्चुअली फिट नहीं हो रहा है, डेटा से फिट नहीं हो रहा है कि गैलेक्सी का रोटेशन कर्व जो कहते हैं वो एग्जैक्टली जितना मास है गैलेक्सी में वो रोटेशन कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ज्यादा मैटर होना चाहिए गैलेक्सी में और उसको हम डार्क मैटर कहते हैं, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हम रफली गेस कर सकते हैं। ये थियोरी गलत हो सकती है लेकिन ये थियोरी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है और सिंपल है। और भी कॉम्प्लिकेटेड थियोरीज हैं, एक थियोरी है कि आइंस्टाइन के इक्वेशंस गलत हैं तो उसको मॉडिफाई करना चाहिए लेकिन आइंस्टाइन के इक्वेशंस एक जगह मॉडिफाई करेंगे गैलेक्सी के लिए तो कहीं और प्रॉब्लम हो जाएगा, शायद आपका GPS नहीं चलेगा। तो यू कैन नॉट प्ले विथ इक्वेशंस सो इजिली। लेकिन डार्क मैटर पॉजिटिव बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है, बट इट्स नॉट कन्फर्म्ड। सिमिलरली यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन रेट है वो एक्सेलरेटिंग, एटलीस्ट जो इट सीम्स टू बी एक्सेलरेटिंग, वो उसका एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है डार्क एनर्जी। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, फ्रॉम थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सिंपल है, एक ही टर्म डालना चाहिए आइंस्टाइन के इक्वेशन में, एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करना है और वो एक्स्ट्रा टर्म दैट इज द ओनली टर्म बेसिकली यू कैन ऐड। आइंस्टाइन खुद जानते थे कि ये टर्म पॉसिबल है। तो डार्क एनर्जी इज अ गुड आइडिया बट कुड बी रॉन्ग। ओके, वी आर नॉट अलोन इन द यूनिवर्स। आई डोंट नो, आई एम नॉट अलोन इन द यूनिवर्स, गुड फॉर अस एक्चुअली, वी आर नॉट अलोन, बट आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो। आल्सो इंडिया साइंस थिएटर इज नॉट अलोन, नॉट अलोन, नॉट सो नाइस। विल द ह्यूमन रेस गो एक्सटिंक्ट? पॉसिबल। ओके, possible, I hope not tomorrow, I have a lot of things to do, but it may go extinct. Okay. उसके दो reasons हो सकते हैं, एक तो as we know dinosaurs went extinct, उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने atom bomb नहीं बनाया, उन्होंने war नहीं शुरू किया, फिर भी वो extinct हो गए, तो हम भी हो सकते हैं by meteorites or something, और लेकिन we have one more possibility, we can do it ourselves also. By means of horrible, awful weapons, and awful wars, we can destroy the planet. It's possible. हमारे हाथ में है. Not a good idea, I feel, but मेरा personal opinion है. We have to be careful. Yeah. We have to not just be careful. We have to believe in ourselves कि हमारी life में कुछ purpose है और इसलिए पूरा planet, पूरी पृथ्वी एक unit है, एक system है. उसमें वो countries में divide करते हैं, cities में, languages में, religions में divide करते हैं. But it is one thing and it is ours, all of us. और इतने सारे लोग नहीं है, few billion people क्या है? हम मिलके प्लैनेट को जरूर बचा सकते हैं, बट वी हैव टू हैव कॉमन पर्पस फॉर दैट। फॉर साइंस वी ऑफ कोर्स फाइंड मेनी टाइम्स कॉमन पर्पस, दिस आल्सो फॉर ह्यूमैनिटी आल्सो। ह्यूमैनिटी में ज्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज़ ह्यूमंस आर वेरी डाइवर्स, कॉम्प्लेक्स। एक यूनिफाइड अप्रोच, पूरी ह्यूमैनिटी को यूनिफाइड अप्रोच लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ, अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन पृथ्वी को इन्वेड करे तो सडनली बॉर्डर्स चले जाएंगे, वीजास चले जाएंगे, हम सब मिलके वो एलियन सिविलाइजेशन को फाइट करेंगे। तो बाहर वालों की जरूरत है। हाँ, बाहर वालों की जरूरत है। ओके, तो कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। बड़ा मजा आ रहा है ऑलरेडी, पर हम समय भी हमारा हो गया, एक घंटा हो गया, तो दर्शकों के सवाल लेते हैं। लेट्स सी, तो नेहा पूछ रही है, अ कैजुअल क्वेश्चन, डू यू लाइक एनी साइंस बेस्ड मूवीज और शोज? हाँ, क्यों नहीं, साइंस फिक्शन बचपन से मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली इट वाज वन रीजन व्हाई आई वेंट इनटू साइंस, साइंस फिक्शन इज वेरी अपीलिंग। उसमें इंटरस्टेलर ट्रैवल या इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल या एलियंस वगैरह बहुत इंटरेस्टिंग है। मूवीज there's gravity, there was interstellar, yes, the Martian मुझे काफी पसंद है। Interstellar I found वो scientific भी था और unscientific भी था in the same movie। क्या unscientific? Unscientific था कि वो he comes back somewhere in back in time to the original place, कुछ time का कुछ उसमें गड़बड़ था। हाँ, time का था कुछ। हाँ,
एंड आई फाउंड लिटिल बिट ओवर समथिंग ओवर डन बट मे बी आई एम रेडी टू सी इट अगेन. काफी मोशन और ग्रेविटी, ग्रेविटी वॉज सिंपल पिक्चर, वेरी सिंपल पिक्चर, लेकिन उसके सिमुलेशन जो है मोशन के सिमुलेशन, जैसे वेटलेसनेस में मोशन कैसे होता है वो एक्चुअली क्वाइट एक्यूरेट थे. इवन बिफोर इंटरस्टेलर उस पिक्चर में उन्होंने अच्छे क्वालिटी के सिमुलेशन बनाए यूजिंग द रियल लॉज ऑफ ग्रेविटी. इंटरस्टेलर के तो एडवाइजर थे किप थॉर्न, वाज अ नोबेल लॉरेट इन फॉर ग्रेविटी, वर्क इन ग्रेविटी. तो क्वालिटी ऑफ दिस मूवीज इज बिकमिंग बेटर, लाइक मोर साइंटिफिक इन अ वे. आई थिंक बिग बैंग थ्योरी के भी जो साइंटिफिक एडवाइजर्स हैं कुछ कैलटेक के शायद प्रोफेसर हैं. हां एक्चुअली आई थिंक यूसीएलए प्रोफेसर्स हैं. दैट्स करेक्ट. सो बिग बैंग थ्योरी में मैंने बहुत सारे इक्वेशंस देखे हैं उनके व्हाइट बोर्ड, शेल्डन के व्हाइट बोर्ड पे, व्हिच आर एक्चुअली करेक्ट. इनफैक्ट इन वन एपिसोड शेल्डन करेक्ट्स द साइन ऑफ द बीटा फंक्शन, जिसके लिए एक्चुअली तीन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज, एसिम्प्टोटिक फ्रीडम, एसिम्प्टोटिक फ्रीडम, आई रिमेंबर दैट. लेकिन इस फिक्शन में शेल्डन खुद करेक्ट करता है. अच्छा, वॉर्म होल एग्जिस्ट करते हैं जैसे इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया है? थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वर्म होल कैन एग्जिस्ट. क्वेश्चन ये है कि इज देयर समथिंग कॉल्ड ट्रैवर्सेबल वर्म होल, मतलब वो एग्जिस्ट होता है लेकिन हम उसके थ्रू जा सकते हैं कि नहीं. हम मतलब हम नहीं, इवन पार्टिकल और सिग्नल, एनीथिंग. तो उस पर डिबेट चल रहा है. आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन इट, इज वेरी टेक्निकल एंड इट्स गोइंग ऑन. फ्यूचर में पता चलेगा, फ्यूचर में जरूर. तो ये सवाल था सुमित श्रीवास्तव. लेकिन वर्म होल थोड़ा समझाना चाहिए, वर्म होल क्या है आपके व्यूअर्स को पता नहीं होगा. इट इज सम पीस ऑफ स्पेस टाइम विच कनेक्ट्स द वेरी डिफरेंट डिस्टेंट रीजन्स. तो अगर आप स्पेस टाइम को इमेजिन कर सकते हैं, ऑलरेडी इट इज इम्पॉसिबल, आई कैन नॉट, यू कैन नॉट, बट फिर भी आप इमेजिन कीजिए और उसको थोड़ा फोल्ड कीजिए और छोटा सा ट्यूब ऐसे लगाइए. तो जो नॉर्मल स्पेस टाइम में यहाँ से यहाँ जाने के लिए बहुत लंबी डिस्टेंस होगी, आप छोटे ट्यूब द्वारा आप क्रॉस ओवर कर सकते हैं. तो वर्म होल इज अ सम नैरो नेक ऑफ स्पेस टाइम जो डिस्टेंट रीजन्स को कनेक्ट करता है. दैट इज द आइडिया. लेकिन if is it real, is it measurable, is it traversable, ये final word नहीं है, ये भी पता नहीं. Okay, तो एक last question आपसे before we wrap up today's session. बहुत मजा आ रहा है पर खत्म तो करना होगा, बहुत लंबा हो गया. Biggest mistake of humanity, what do you think? I thought you were asking biggest mistake of my life. ये तो मैं बता सकता हूँ लेकिन नहीं बताऊंगा. Biggest mistake of humanity इसकी हम डिफरेंसेस एक दूसरे के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो हाईलाइट करते हैं और कॉमनैलिटी है वो हाईलाइट नहीं कर पाते हैं. तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम है कि वी हैव वन प्लैनेट और हमारा सर्वाइवल जॉइंट सर्वाइवल है. ऐसा नहीं हो सकता है कि इन फ्यूचर इंडिया विल सर्वाइव एंड यूएस विल सर्वाइव बट अफ्रीका विल नॉट सर्वाइव. ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. हम दूसरे नेशन को डिस्ट्रॉय करेंगे तो हम भी खुद डिस्ट्रॉय होंगे. दिस इज अ रियलिटी. तो सर्वाइवल जो है, प्लैनेट का सर्वाइवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब मिलके हम कर सकते हैं. बट वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि जो दुश्मन दिखता है वो दूसरे देश का है, दूसरे रिलीजन का है, दूसरे कल्चर का है, कुछ हमारे से अलग है. वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि फाइनली जेनेटिकली वी आर सेम, कल्चरली मोस्टली वी आर सेम. छोटे डिफरेंसेस बहुत छोटे हैं. तो दिस इज ह्यूमैनिटीज बिगेस्ट फेलियर कि वो रिकग्निशन की कॉमनैलिटी कितनी बड़ी है और डिफरेंसेस कितने छोटे हैं. हम डिफरेंसेस को एम्पलीफाई करते हैं और कॉमनैलिटी को इग्नोर करते हैं. दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ ह्यूमैनिटी. वाओ, नहीं यार, इस बात से मुझे याद आ रहा है कि जैसे हमारे बड़ी कोलैबोरेशन है जैसे सर्न है, वहाँ पर सारे ऐसे कंट्रीज जो ऐसे मतलब उनके पॉलिटिशियंस से बिहेव करेंगे बहुत बड़े दुश्मन है वो कंट्रीज, पर उनके जो साइंटिस्ट है सब एक साथ वो काम कर रहे होते हैं, एक छत के नीचे सामने बैठ के साइंस भी डिस्कस करेंगे, खाएंगे पिएंगे भी और सब कुछ. तो साइंस एक काफी पावरफुल चीज, बहुत पावरफुल चीज है टू ब्रिंग पीपल टुगेदर. दैट इज करेक्ट. आप देखेंगे तो ऑल कंट्रीज, प्रैक्टिकली ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर रिप्रेजेंटेड इन सर्न कोलैबोरेशन. और एक पेपर, एक रिसर्च पेपर, जैसे हिग्स पार्टिकल का डिस्कवरी पेपर, आप देखेंगे कि ऑथर लिस्ट क्या है, कौन सी कंट्रीज रिप्रेजेंटेड हैं, एंड यू विल सी दैट एवरीवन इज देयर, होल ऑफ ह्यूमैनिटी इज. इट्स अ डिस्कवरी ऑफ होल ह्यूमैनिटी, नॉट एनी वन कंट्री. दिस ब्लोज अप माई माइंड, यू नो, बिकॉज यू नो आइंस्टाइन की मैं एक बात पढ़ा करता था कि माई I am not a nationalist, I am an internationalist.
तो साइंस ऐसे कंबाइंड इंटरनेशनलिज्म इट इज इम्पोर्टेंट उस पर मैं नेशनलिज्म भी ठीक है अच्छा है लेकिन इंटरनेशनलिज्म पे हम फोकस नहीं करते हैं एंड वी शुड फोकस विद आवर हार्ट्स दिल से समझना चाहिए कि एवरीवन इज द सेम पीपल आर द सेम वेरेवर यू गो साइंस में वो पावर है चलो इसी नोट पे हम प्रोफेसर सुनील मुखी को बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं आज बहुत मजा आया सुनील के बारे में भी हमने जाना और सुनील किस तरह से साइंस के बारे में और इस दुनिया के बारे में किस तरह से सोचते हैं एक्सपेरिमेंटलिस्ट और थ्रेटिशियंस किस तरह से काम करते हैं आपस में ये सब भी हमने जाना हमने ये सीखा कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया हम अगली बार फिर से हाजिर होंगे एक और शख्सियत के साथ मे बी इन ए मंथ और समथिंग वी विल अनाउंस थैंक यू वेरी मच Okay. Okay.